हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा यानी आदित्य यादव का प्यार भरा नमस्कार। और आज हम लोग अपनी संख्या पद्धति में संख्याओं को व्यक्त करने के जो अलग अलग तरीके होते हैं उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। तो मुख्यतः हम लोग दो सिस्टम्स, दो प्रणालियों के बारे में बात करेंगे। पहली प्रणाली जो है, जो हमारे देश में ही प्रचलित है, हिंदू अरबिक यानी कि हिंदू अरबी प्रणाली, जिसमें हम लाख, करोड़, अरब, खरब जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो प्रणाली हमारी अपनी, अपने देश की हिंदू अरबिक सिस्टम, हिंदू अरबिक प्रणाली है। इसके अलावा जो विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रणाली का यूज़ होता है संख्याओं को व्यक्त करने के लिए, मुख्यतः बड़ी संख्याओं को व्यक्त करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली। तो इन दोनों के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अपना। और शुरू करते हैं पहले जो अपने देश की हिंदू अरबिक प्रणाली है उसके बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़, फिर उसके बाद हजार से लाख, जैसे ही हम हजार से शुरुआत करते हैं, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, करोड़, दस करोड़, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। कैसे इन्हें संख्याओं में व्यक्त करते हैं हम लोग देख लेते हैं एक बार। मान लेते हैं हमारे पास कोई संख्या है और हमें उसे व्यक्त करना है शब्दों में, या फिर ऐसे समझ लें कि वंश यानी कि इकाई संख्या के स्थान से अगर हम स्टार्ट करें तो इकाई का अर्थ होता है एक। एक से लेकर अगर नौ तक की संख्या है तो वो इकाई के अंतर्गत आएंगी। जैसे ही नौ के आगे हम बढ़ेंगे तो वहाँ से दहाई शुरू हो जाता है। दहाई का मतलब है दो संख्याओं वाली संख्या। ठीक वैसे ही जब हम 99 तक चलेंगे तो हमें दहाई के अंक मिलते जाएंगे, और जैसे ही हम 100 यानी कि 100 पर पहुंचेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो हो जाएगा सैकड़ा। ठीक ऐसे ही फिर हम जब आगे बढ़ेंगे, चार अंकों की संख्याएं जितनी भी हमारे पास मिलेगी वो सब हजार के अंतर्गत आएंगी, फिर 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। आप लोग इस टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं कि 100 में, 100 में कितने जीरो होते हैं, दो जीरोज होते हैं, लेकिन अगर हम 1000 की बात करें तो वहाँ पर आपको 3 जीरोज मिलेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर हम 10,000 की बात करें तो जो क्रम है हमारा वो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, फिर उसके बाद भी हम बढ़ते जा सकते हैं, अरब, 10 अरब, फिर खरब, 10 खरब। ठीक ऐसे ही नील, संख, महासंख, पदम, इस तरह के कुछ प्रचलित कुछ, हालांकि वो बहुत बड़ी संख्या है, वहाँ तक हमें नहीं जाना फिलहाल। हम लोग छोटी संख्याओं से स्टार्ट करेंगे जहाँ तक हमारा करोड़ और अरब वाला कंसेप्ट है जो क्लियर हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि एक संख्या हमारे पास है, इसे हमें अब जो है हमारे हिंदू अरबिक सिस्टम के हिसाब से जो अंतराल बनाए गए हैं, अंतराल का अर्थ है हमारे हजार, लाख, करोड़ के जो अंतराल हैं उनके हिसाब से अगर हमें इस संख्या को रिप्रेजेंट करना है, इसे हमें व्यक्त करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो हम सीधे से संख्या को पीछे से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इकाई के अंक पर क्या लिखते हैं, इकाई को हम वंश कहते हैं। मैंने यहाँ पर एक आपको दिखाया हुआ है, आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में कहीं पर। इकाई को हम वंश, अंग्रेजी में वंश कहेंगे। दहाई को टेंस कहते हैं। ठीक है सही, सैकड़ा को हंड्रेड्स, देन थाउजेंड्स, अब हजार से हजार और 10,000, इस तरह के दो हमारे पास वर्ग अंतराल में, यहाँ पर जो हमें दो अंतराल मिल जाएंगे। ठीक ऐसे ही लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, उन सब चीज़ों को हम संख्याओं में समझ लेंगे अपने। आते हैं अपनी संख्या पर जहाँ पर हमें इसे उस पीरियड में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो हमारी सबसे पहली डिजिट है पीछे से, हमें आखिरी से पहले डिजिट देखनी होगी, वो हमारी इकाई की संख्या होगी। तो मान लेते हैं वो हमारी संख्या है 4। ठीक ऐसे ही जब उसके नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं तो वो हमारी दहाई की संख्या है, अर्थात वो टेंस की डिजिट है। डिजिट का मतलब होता है बच्चों अंक। तो जो नेक्स्ट डिजिट हमारा 2 है वो है टेंस, अर्थात दहाई का अंक है वो। ठीक ऐसे ही जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये है हंड्रेड्स, मतलब ये सैकड़े का अंक है। तो कुल मिला के अगर सिर्फ 3 अंकों की संख्या होती तो हम इसे पढ़ते 124, लेकिन ये संख्या आगे बढ़ती गई है। हम आते हैं 9, तो 9 जो लिखेंगे हम ये आ गया हज़ार पर। लेकिन अब जैसा कि मैंने बच्चों बताया आपको, हज़ार, 10,000, हज़ार के हमारे पास, हज़ार के इंटरवल में हमारे पास दो डिजिट्स लिखे जाते हैं, जो हज़ार का अंतराल होता है। ठीक ऐसे ही जो लाख का अंतराल होता है या करोड़ का अंतराल होता है, सैकड़े के बाद हमें जितने भी अंतराल मिलते जाएंगे, हमें हर एक अंतराल में दो दो संख्याएं लिखनी होंगी, जैसे कि हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख।
तो हजार वाला जो अंतराल हमारे पास अभी दिख रहा है, तो इसमें हमने सिर्फ 9 लिखा है, इसमें हमें एक संख्या और लिखनी होगी, तो कुल मिलाकर के ये 39,000 हो गया, 39,000। ठीक है, ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे, तो 3 के बाद हमारे पास 7 दिया हुआ है, यहाँ पर 7 लिख लिया हमने, और उसकी अगला भी संख्या जो है उसे भी हम यहाँ पर इसी ब्लॉक इसी पीरियड में लिखेंगे, क्योंकि लाख के अंतराल में भी हमें दो संख्याओं को स्थान देना पड़ेगा। अब हालांकि यहाँ करोड़ में भी दो संख्याओं के लिए जगह है हमारे पास, लेकिन जो हमारी टोटल संख्या है उसमें सिर्फ एक डिजिट ही बचा हुआ है अभी, आप देखिए, तो कोई दिक्कत नहीं, हम सिर्फ उस डिजिट को ही लिख देते हैं। हाँ, इसके अगर पहले भी कोई और संख्या लिखी होती तो जरूर हम यहाँ पर करोड़ के पहले भी करोड़ के अंतराल में भी एक से ज़्यादा अंक को हम लिखते, यहाँ पर उनको जगह देते। तो बच्चों, इस तरीके से इस संख्या को अगर हमें पढ़ना होगा तो हम कैसे पढ़ेंगे, अभी करोड़ के अंतराल में है, सिर्फ एक संख्या लिखी हुई है, तो इसे हम पढ़ लेंगे 7 करोड़। लेकिन जब हम अगले अंतराल में आएंगे तो यहाँ पर लाख के अंतराल में दो संख्याएं लिखी हैं, इसका मतलब है ये 57 लाख, देन 39,124। अगर इसे हमें अंग्रेजी में पढ़ना होगा तो कैसे पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे 7 करोड़ 57 लैक्स 39,124। तो इस तरीके से हम हिंदी अरबिक हिंदू अरबिक सिस्टम में संख्याओं को पढ़ते और लिखते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी हमसे इन क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि इन नंबर्स के बीच में हमें कॉमास लगाने होते हैं। कॉमास का मतलब है अल्प विराम, जो छोटे से होते हैं वो हमें कुछ संख्याओं के बाद लगाने होते हैं। तो हिंदू अरबिक सिस्टम में कॉमा लगाने का तरीका अलग है, और जो इंटरनेशनल सिस्टम है वहाँ पर कॉमा लगाने का सिस्टम अलग है। तो अभी फ़िलहाल हम हिंदू अरबिक सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो हम लोग समझ लेते हैं उन संख्याओं में अल्प विराम का प्रयोग कैसे करते हैं, कॉमास जो होते हैं हमारे। तो बच्चों, हमेशा आप पीछे से पहले तो आप 3 संख्याएँ देख लेंगे, जो पहला हमारा सेक्टर यहाँ पर दिख रहा है, पीरियड दिख रहा है, ये वंस का सेक्टर है यहाँ पर, तो इसमें वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स, अर्थात इकाई, दहाई और सैकड़ा, इन 3 अंकों को स्थान दिया जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले कॉमा हमें पीछे के 3 अंकों के बाद से लगाना होता है। अब उसके बाद आपको पता है, मैंने जैसा कि बताया, हर अंतराल में हमारे पास दो दो संख्याओं को जगह देने का स्थान रहता है, तो हम इसके बाद चाहे जितनी संख्याएं हों, हर संख्या के बाद हमें दो दो संख्याओं के अंतर पर, दो दो अंकों के अंतर पर हमें अपने कॉमा, अपने अल्पविराम को लगाना होगा। अब अंत में सिर्फ एक संख्या बच रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वहाँ पर उसे अकेला ही छोड़ देते हैं। तो कैसे करेंगे इसे, सबसे पहले पीछे से 3 अंकों को हम लोग छोड़ देंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, मतलब ये वंस वाला जो है सैकड़े से के पीछे के जो नंबर्स होते हैं वो एक अंतराल में आते हैं। ठीक है, ऐसे ही हजार के अंतराल में दो संख्याएं होंगी, लाख के अंतराल में दो संख्याएं होंगी, करोड़, अरब, खरब जितने भी होंगे, हर एक अंतराल में दो दो संख्याओं को हमें कॉमा से स्प्लिट यानी कि अलग करना पड़ेगा। यही सिस्टम होता है हमारा हिंदू अरबिक सिस्टम में अल्पविरामों को प्रयोग करने का। तो बच्चों, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पर, मैं एक कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा यहाँ पर और देखते हैं उन्हें हम लोग कैसे उनमें कॉमर्स लगाते हैं हम लोग। तो मान लिया कि हमारे पास कोई संख्या दे रखी हुई है, जरूरी नहीं कि 7 ही हो, कोई भी संख्या हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, कोई बड़ी संख्या एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर, और उसको शब्दों में भी देख लेंगे कि हम लोग क्या कहेंगे। मान लेते हैं बच्चों ये संख्या दे रखी हुई है, तो जैसा कि मैंने बच्चों बताया आपको कि सबसे पहले आप लोग पीछे से 3 डिजिट्स काउंट करेंगे, मतलब 3 अंकों को आप लोग गिन लेंगे पीछे से, और वहां से जस्ट उसके बाद से कॉमा लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो कॉमा हमने कहां पर लगा दिया, यहां से 3 अंकों को गिना हमने और ये कॉमा लगा दिया। उसके बाद बच्चों, हर एक जो अंतराल है हमारा वो दो दो अंकों का होगा, वो दो दो डिजिट्स का होगा। तो ये देखिए, ये हमारा हजार वाला अंतराल है, तो ठीक है, हमने यहाँ पर कॉमा लगा दिया। देन उसके बाद फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, जो हमारा अगला अंतराल दे रखा हुआ है ये लाख का अंतराल है, तो यहाँ पर हमने भी कॉमा लगा दिया। चलिए लगा देते हैं कॉमा। ठीक वैसे ही हमने ये करोड़ वाला जो है यहाँ पर भी हम लोग दो अंकों के बाद कॉमा लगा देंगे। अब हालांकि एक संख्या बच रही है तो उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। पढ़ेंगे कैसे बच्चों इसको, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि शुरुआत होती है इकाई के अंक से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब हजार के अंतराल में हमारे पास दो हैं, तो एक तो पहला हजार होगा, दूसरा 10,000 होगा। 10 का कहने का मतलब है बच्चों 99 तक संख्या हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं। हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़,
दस करोड़ अरब, करोड़ के बाद 10 करोड़ के बाद कितनी संख्या आ जाएगी, अरब आ जाएगी। तो शुरुआत कहाँ से होगी, अरब से। जो हम इसको लिखने का प्रयास करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक अरब लिख देते हैं यहाँ पर। ये जो पहला अंतराल हमें मिला है यहाँ पर, उसे लिखते हैं एक अरब। कॉमास जो हम पीछे से ही लगाएंगे, लेकिन संख्याओं को जब शब्दों में लिखने की बात आएगी या शब्दों में पढ़ने की बात आएगी तो हम उन्हें शुरुआत से ही पढ़ेंगे। तो ये आ गया हमारा एक अरब, ठीक है। इसके बाद बच्चों बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो अंतराल होता है वो होता है लाख का, सॉरी जो नेक्स्ट अंतराल, जो अगला अंतराल होता है वो होता है करोड़ का। तो एक अरब, चाहे तो कॉमा लगा लेते हैं यहाँ पर। अब ये 78 लिखा हुआ है, 70 के बाद 70 वाली लाइन में क्या आता है, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78। तो 78 लिख देते हैं यहाँ पर। हालांकि छोटे बच्चों को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, कोई बात नहीं बच्चों, आप लोग सीख जाएंगे धीमे धीमे से। तो ये हो गया 78। 78 के आगे क्या लगाएंगे, क्या सफिक्स रहेगा हमारे पास, करोड़। अरब के बाद क्या आता है, करोड़, ठीक है। हमने करोड़ का यहाँ पर संख्या जो है उसको लिख दिया। अब नेक्स्ट इंटरवल जो हमारा आया वो है लाख का, तो 95 लिखा हुआ है ये, तो हम लोग लिख देते हैं 95। पंचानबे लाख हो गया। चलिए यहाँ लिख देते हैं, वहाँ जगह कम है। 95 लाख, 95 लाख के बाद कौन सा अंतराल आ रहा है, हमारा अंतराल है ये हज़ार का, तो 73 लिखा हुआ है ये, तो 73 लिख देते हैं हम लोग, 73 हज़ार, सॉरी 10। बच्चों अंत में जो हमारा अंतराल है वो सैकड़े से स्टार्ट है, मतलब 100 वाला यहाँ पर संख्या है उसे लिखना है। तो 296, इसे कैसे लिख देंगे, 296, इसको एक साथ में लिख देते हैं, 296। आप अगर अंग्रेजी में पढ़ना चाहें तो अंग्रेजी में भी पढ़ सकते हैं इसको, कैसे पढ़ेंगे, 1 अरब 78 करोड़ 95 लाख 73,296। इस तरीके से हम लोग इसे अंग्रेजी में भी पढ़ सकते हैं। तो बच्चों मुझे आशा है कि आप लोगों ने कॉमा लगाना और अंकों को, संख्याओं को शब्दों में पढ़ना सीख लिया होगा, जो हमारा हिंदू अरेबिक सिस्टम है उसके अनुसार। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे जो इंटरनेशनल सिस्टम है, जो विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम जो है, उसमें हम संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं और कॉमास वगैरह का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। तो थोड़ा सा अलग है, हालांकि हंड्रेड्स तक तो हमारा वैसे ही चलता है। यहाँ पर वंस, टेंस, हंड्रेड्स, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, जो हमारा जो पहला अंतराल है वो हूबहू ऐसा ही है जैसा कि हम लोग अपने देश में पढ़ते हैं, लेकिन आगे से थोड़ा सा यहाँ पर अंतर हो जाता है। अभी तक हम लोगों को 100 के बाद में जितने भी अंतराल देखे हम लोगों ने, चाहे वो हज़ार के हों, लाख के हों, करोड़ के हों, सब में सिर्फ हम दो संख्याओं को ही स्थान दे रहे थे। लेकिन अभी यहाँ क्या है कि यहाँ पर हर एक अंतराल में हमें तीन संख्याओं को स्थान देना होगा। तो यहाँ पर सिर्फ अगर हज़ार, हम लोग अपने हिंदू अरबिक सिस्टम में हज़ार मैक्सिमम कितना कह सकते थे, जैसे कि हम लोग 1,000, 2,000, 99,000 के ऊपर जैसे ही पढ़ते थे हम लोग लाख के इंटरवल में पहुँच जाया करते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इसमें हम लोग 99 के ऊपर भी जा सकते हैं, 999,000 तक। मैं उदाहरण दूंगा तो बच्चों आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि एक संख्या लिखी हुई है हमारे सामने, तो हम लोग इसको ही नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेते हैं, जस्ट वन सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो जो संख्या हमारे पास लिखी हुई है वो है, हालांकि उन्होंने कॉमा पहले से ही लगा दिया है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक सिंपल सा एक नई संख्या लिख देता हूँ यहाँ पर, उसके अनुसार हम लोग यहाँ पर डिस्कशन अपना कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, बात करेंगे इस संख्या की। तो कॉमा से स्टार्ट करते हैं, कॉमा कैसे लगाएंगे। अगर हिंदू अरेबिक सिस्टम यहाँ पर है तो आपको पता है, पहले हम यहाँ पर एक काम ये करते हैं, इस संख्या को दो बार लिख लेते हैं हम लोग, 9, 2, 3, 7, 8, 6,
5, 4, 3, 7. पहले वाले में हम लोग हिंदी अरेबिक सिस्टम से ही लिखते हैं। हिंदी में लिख देता हूँ, 1 सेकेंड। हिंदू अरबी, अरेबिक उसे अंग्रेजी में कहते हैं, और अगर हिंदी में कहना है तो उसे हम लोग अरबी कह देंगे सीधे से, हिंदू अरबी। तो हिंदू अरबी में क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग पीछे से 3 डिजिट्स काउंट करेंगे, 3 अंकों को हम लोग गिनेंगे और फिर कॉमा लगाएंगे। लेकिन जस्ट जैसे ही हमने 3 अंकों के बाद कॉमा लगा लिया, अब हर अंतराल हमारा 2 2 अंकों के बाद यहाँ पर कॉमा लगेगा, कुछ इस तरीके से। लेकिन जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम होगा वहाँ पर जो है हमें 2 वाला बिल्कुल कंसेप्ट भूल जाना है। यहाँ पर हमें 2 अंकों को नहीं बल्कि हर बार सिर्फ 3 अंकों के बाद ही कॉमा लगाना होगा। तो यहाँ पर कॉमा लगाया, फिर यहाँ पर कॉमा लगाया, फिर यहाँ पर कॉमा लगाया। अब बात यह आती है कि इन संख्याओं को हम पढ़ेंगे कैसे। तो पढ़ने के लिए बच्चों हमारे पास देखिए ये सिस्टम दे रखा हुआ है। इंटरनेशनल सिस्टम में हम लोग कैसे पढ़ते हैं किसी संख्या को, पहली बात तो हर एक अंतराल पर हमारे पास 3 3 अंक दिए होंगे, मतलब हम उसके 100 डिजिट तक जा सकते हैं। जैसे कि इसी संख्या को ले लेते हैं हम लोग, तो कैसे पढ़ेंगे इस संख्या को, मैं काम करता हूँ इस संख्या को आगे अगले पेज पर लिख लेता हूँ। जो हमारा प्रश्न क्या है, उस प्रश्न को हम लोग यहाँ लिखते हैं 9 2 3 7 8 9 2 3 7 8 and then 6 5 4 6 5 4 3 7। कॉमर्स भी लगा देते हैं। आपको पता है इंटरनेशनल सिस्टम में हमेशा कॉमर्स जो होते हैं वो 3 डिजिट्स के अंतराल पर लगेंगे, नो मैटर हम चाहे जहाँ से स्टार्ट करें, हमेशा मतलब पीछे से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन हर 3 अंकों के बाद ही हमें कॉमा लगाना होगा। तो बच्चों इस स्लाइड में देखिए, यहाँ पर आपको पता है सबसे पहले अगर 1 अंक है तब तो वो इकाई रहेगा, देन दहाई होगा, देन सैकड़ा हो जाएगा, सैकड़े के बाद बच्चों 1000 10000 10000 के बाद अगर हम अपने भारतीय सिस्टम में होते तो हम लोग लाख में पहुंच जाते, लेकिन 1000 10000 फिर 100000 कहेंगे यहाँ। 100000 का मतलब 100000 101000 110 928 इवन 999000 तक संख्याएं जाएंगी। ठीक, उसके बाद हम लोग मिलियन में आएंगे। तो मिलियन में क्या होगा, अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 6 अंकों के बाद अगर 7वां अंक है तो हम उसे पढ़ेंगे 7 मिलियन। ठीक, ऐसे ही आते हैं। मैं काम करता हूँ, मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ क्या कंसेप्ट होगा, क्या हमारा यहाँ पर पैटर्न होगा। तो जो पहला ब्लॉक होगा ये तो वंस का ब्लॉक है, वंस का मतलब है ये एक पहला एक इंटरवल मान लिया गया जिसमें सैकड़े तक वैल्यूज आ जाएंगी। फिर ये हमारा कौन सा है, हज़ार मतलब थाउजेंड्स, मैं इसको अंग्रेजी में ही लिख देता हूँ, ये कौन सा है थाउजेंड्स। देन उसके बाद आता है बात मिलियन, एम फॉर मिलियन। मैं भी स्पेलिंग आपको कंफर्म कर दूंगा यहाँ पर आगे, हमारे स्लाइड्स में दे रखी हुई है, लेकिन अभी हम मान लेते हैं मिलियन। फिर उसके बाद बात आती है बिलियन की, फिर ऐसे ही बढ़ेगा ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, पेंटिलियन, सेक्सट्रिलियन, इस तरीके से बहुत संख्याएं बड़ी होती चली जाएंगी। हमें वहां तक नहीं जाना, मिलियन बिलियन एंड ट्रिलियन तक हम लोग बेसिकली संख्याएं सीख लेते हैं। तो अभी इसमें देखते हैं, तो हमारे पास 3 3 के ब्लॉक्स बने हुए हैं। तो पहले संख्या में तो हालांकि 3 संख्याएं यहां भी हो सकती थी, लेकिन संख्याएं कम थी, इस वजह से हमने क्या करा, सिर्फ 1 संख्या ले ली। ठीक, ऐसे ही हमारे पास ये तीसरा वाला, इसमें भी 3 संख्याएं, इस ब्लॉक में भी 3 संख्याएं हैं और इस ब्लॉक में भी 3 संख्याएं हैं। तो कैसे पढ़ेंगे हम लोग बच्चों इसको, हम लोग शुरुआत करेंगे बिलियन से बच्चों को, बी फॉर बिलियन। तो बिलियन में कितना है, 9 बिलियन है, या ना, तो हम लोग लिख लेते हैं इसको 9 बिलियन। बच्चों मैं पहले इसे लिख लेता हूँ, बाद में यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ, लिखने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। हाँ बच्चों, तो मैंने इसे लिख दिया, और आप इसे कैसे पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे बिलियन के इंटरवल से। तो क्या है ये 9 बिलियन, देन ये हमारा 3 संख्याओं का समूह है, तो ये ऑब्वियसली 100 के इंटरवल में पढ़ा जाएगा। सो इसे कहेंगे 237, 237 लिखा हुआ है, इसलिए कहेंगे 237 मिलियन। ठीक, ऐसे ही आते हैं 1000 पर, 865 thousands एंड देन 437। ये तो हमने अंग्रेजी में लिख दिया इसे। ठीक, अगर इसे हिंदी में पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे हम लोग, 9,237,865,437। तो ये तरीका होता है
अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में संख्याओं को पढ़ने का। हम लोग एक उदाहरण और देख लेते हैं जल्दी से, जिससे कि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग हिंदी अरेबिक सिस्टम जो है और जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है, दोनों से ही एक संख्या को हम लोग देखते हैं करके। तो मान लेते हैं संख्या हमारे पास दे दी गई, वन सेकेंड। सिर्फ इतनी संख्या मान लेते हैं। तो अगर हमें कॉमा, चलिए पहले बात करते हैं अपने हिंदू अरेबिक सिस्टम से। तो अगर हिंदू अरेबिक सिस्टम में कॉमा लगाना होता तो सबसे पहले हम तीन अंकों के बाद कॉमा लगाते, फिर हम सिर्फ दो अंकों के बाद कॉमा लगाते और दो अंकों का ही इंटरवल जारी रहता। हालांकि यहाँ पर संख्या बची नहीं तो हमने यहाँ छोड़ दिया। तो आपको पता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, तो ये कितना हो जाता, तीन लाख। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 378,000 एंड देन 400, मतलब 469 लेकिन बच्चों अब आते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय सिस्टम के अनुसार। तो अभी हमें सिर्फ तीन अंकों के बाद कॉमा लगाना है। अब शुरुआत में तो कॉमा लगाएंगे नहीं, अगर कोई संख्या आगे होती तो जरूर कॉमा लगाते हैं, तो बस हम यहीं पर छोड़ देंगे। तो अभी कितना है, ये हमारा वंस वाला था और ये थाउजेंड्स वाला है। मतलब आपने देखा था ना यहाँ पर कि कैसे हम लोग इसे, इसका जो है कंपेरिजन, इसका जो है किस अंतराल में इसे विभक्त करते हैं, तो थाउजेंड में भी हमारे पास थ्री डिजिट दे रखे हुए हैं। तो इसे हम लोग पढ़ लेंगे 378,000। हिंदी सिस्टम में नहीं पढ़ते वैसा, लेकिन अभी यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे, 378,000 400, आगे का वैसे ही रहेगा 469 एक उदाहरण बच्चों और ले लेते हैं, जिससे कि थोड़ा सा और आपको समझ में आ जाए। थोड़ा सा बड़ी संख्या लेते हैं इस बार। ठीक है, तो बच्चों हिंदी सिस्टम, हिंदी अरेबिक सिस्टम के हिसाब से पहले तीन अंकों के बाद कॉमा लगाया, फिर हमने दो दो अंकों के बाद कॉमा लगाना स्टार्ट करा। तो कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, करोड़, दस करोड़, अरब। तो इसे हम लोग पढ़ लेते हैं सीधे, मैं लिख देता हूँ। चलिए 3,46,000 और उसके बाद आएगा, सॉरी 46,000 नहीं होगा यहाँ पर, अरब के बाद कितना आता है, करोड़ आता है, 46 करोड़। फिर बात आती है लाख की, 45 लाख 62 हजार 134 लेकिन बच्चों अब इसी संख्या को हम लोग फिर से लिखते हैं यहाँ पर, और इस बार इसे अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के आधार पर पहले इसमें कॉमर्स लगाएंगे और फिर उसको शब्दों में लिखेंगे। तो आपको पता है बच्चों, जैसे मैंने बताया, इसमें दो अंकों का कोई कंसेप्ट नहीं है, हमेशा तीन अंकों के बाद ही कॉमा लगेगा पीछे से स्टार्ट हो जाने के बाद। तो जो आप देख रहे हो ये वंस वाला था पूरा, ये हमारा है थाउजेंड्स मतलब हजार वाला। इसके बाद आता है बात मिलियन, थाउजेंड के जस्ट बाद बात आती है मिलियन की, फिर उसके बाद बात होती है बिलियन, और अगर आगे होते तो हम ट्रिलियन की बात करते, हालांकि सिर्फ बिलियन तक की संख्या में दिख रही है यहाँ पर। अगर तीन संख्याएं और होती तो ट्रिलियन तक जाते हैं हम लोग, लेकिन अभी सिर्फ बिलियन से काम चलाएंगे हम लोग। तो पहली संख्या कितनी है, तीन, तो 3 बिलियन लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। तीन
तीन के लिए मैं जल्दी से इसे लिख देता हूँ पहले। तो बच्चों मैंने इसे लिख दिया है, ये है 3,464,562,134,134। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और इसमें इस 1,000,000 में कितने जीरोस, कितनी संख्या, एक संख्या 1,000,000 या 1,000,000,000 में कितने जीरोस होते हैं, कितनी संख्याएं, एक सीधा तरीका है यहाँ पर जो मैं बच्चों मैं आपको बताता हूँ। 1,000,000 की बात करेंगे तो यहाँ से भी स्पष्ट है बच्चों कि आप देख रहे हैं कि जो संख्या 6 अंकों की है वो सिर्फ 1,000 तक ही सीमित रहेगी, लेकिन जैसे ही 6 के आगे जाते हैं, मतलब 7 अंकों की जैसे ही संख्या होगी, वो मिलियन के इंटरवल में चली जाएगी, मिलियन के अंतराल में चली जाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1,000,000 में टोटल 7 संख्याएं होंगी। 1,000,000 में अगर हम इकाई की बात करें या कितनी इकाई होंगी, तो 1 के आगे 6 जीरोस लगे होंगे, मतलब 1,000,000। 1,000,000 इज इक्वल टू 1,000,000 यूनिट्स, मतलब 1,000,000। अगर आपके पास 1,000,000 रुपए हैं तो आप कह सकते हैं कि आपके पास 1,000,000 रुपए हैं। ठीक है, ऐसे अगर बिलियन की बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है उसमें हर अंतराल में तीन तीन डिजिट्स होते हैं, तो यहाँ पर भी देखिए, अब जैसे मिलियन के बाद आता है बिलियन, इसमें 3 जीरोस बढ़ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही बात करेंगे ट्रिलियन की, तो उसमें भी 3 जीरोस बढ़ जाएंगे। क्विंटिलियन, सेक्सटिलियन, आई थिंक पेंटिलियन यहाँ पर मिसिंग है, जिसमें कि 5 जो है 3 जीरोस आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग बहरहाल खासकर आप यहाँ तक इसे समझ लीजिए। हालांकि ये पिक्चर मुझे बहुत ही क्लियर, कुछ चीज़ें हालांकि इसमें मिसिंग है, जैसे नोनालियन में ये एक लैटिन भाषा है, उसके हिसाब से संख्याओं को या गिनती को बोलने का एक अलग तरीका होता है। फिलहाल आप ट्रिलियन तक अगर चाहें तो समझ सकते हैं, यहाँ तक आपके लिए सफिशियंट है। इसके बाद पेंटिलियन आएगा, देन सॉरी क्वाड्रिलियन आएगा, इसके बाद ट्रिलियन के बाद क्वाड्रिलियन आएगा। क्वाड्रिलियन का क्वाड का मतलब होता है 4। इन सब चीज़ों को आपको नहीं समझना अभी फिलहाल, क्वाड्रिलियन देन क्विंटिलियन, ये सारी चीज़ें आगे की हैं। आप फिलहाल ट्रिलियन तक चीज़ों को याद कर सकते हैं। मैं यहाँ तक आपको हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ तक आप लोगों को समझना है इसको। और तो ठीक है बच्चों, आज के लिए मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है। बहुत जल्द बच्चों मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।